तो गाइस ऐसे खाते हैं मैगी। ये देखो, ये मेरी साइड है और ये दूसरे इंसान की साइड है, जो आप देख सकते हो। ये तरीका है सही मैगी, ऐसे ही मैगी खाते हैं। ऐसे खाते हैं मैगी। तो गाइस आज के दिन का एजेंडा बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से और इसको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा आज। मैं देखता हूँ कि कितना सीख पाएगी। पहले इसको एक दो बार ट्राई किया है लेकिन टाइम बहुत लगता है, पता नहीं क्यों। मे बी बेसिक्स क्लियर नहीं थे इसके, तो वो सब क्लियर कर चुका हूँ। आज देखते हैं कैसी चलाएगी। इसको अकेले भी चलाने के लिए छोड़ूंगा। उसके बाद हमें नर्सरी जाना है, वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे पौधे मिलेंगे तो वो उठा लेंगे वहाँ से। और उसके बाद लेट्स सी आगे क्या कुछ नया कर पाते हैं हम आज। हाय गाइस, इतने दिनों बाद में व्लॉग कर रही हूँ ना, इतना अजीब लग रहा है। और ऊपर से मेरे पति ने मुझे थमा दिया है पूरा DSLR की, अब भी जब व्लॉग होगा तो इसी से ही होगा। तो चलो देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता है। क्वालिटी में एडजस्टमेंट नहीं करने का। हाँ, सो आज का पॉइंट ये है, हम उठे सोकर 12 बजे, क्योंकि कल रात को हम एक फ्रेंड से मिलने गए थे। आप ऋषिप को तो जानते ही होंगे, उनके फैमिली से मिलने गए थे, तो हमें आने में काफी लेट हो गया। तो इसीलिए आज सुबह भी हम बहुत लेट उठे। थोड़ा नॉइज आ रहा है तो प्लीज सॉरी, क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर के। अरे यार, और तेज होती जा रही है। खैर, तो आज मुझे तुषार ने प्रॉमिस किया है कि वो आज की आज में मुझे वो पूरी की पूरी गाड़ी चलाना सिखा देंगे। थोड़ी थोड़ी मुझे आती है, मतलब 10% मुझे बेसिक्स पता है, पर आज ये मुझे पूरा प्रो ड्राइवर बना देंगे। लगता है 10% में से ये -8 भूल गई होगी। हाँ, वैसे ये तो 2% इसे पता होगा। हाँ, वैसे ये बात तो बहुत सच है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से तो मुझे मेरी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है, तो मैं कैसे नहीं भूलूंगी। नहीं, मुझे ABC तो पता है, बाकी देखते हैं। आज ये शूट करके भी दिखाएंगे कि मैं कैसी गाड़ी चलाती हूँ। हाँ, मैं शूट करूंगा, पूरा दिखाऊंगा आपको कितनी बढ़िया चलाती है। बाकी देखते हैं कैसा चलेगी। बकवास मत करो, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ ना नहाने धोने के बाद। 12 बजे हम सो के उठे, आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, हमने फिर सुबह सुबह इतनी मेहनत करके मैंने मैगी बनाई, तो हमने मैगी का ब्रेकफास्ट किया। अब हम लंच खाएंगे जहाँ पे हम जा रहे हैं ना एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए। सूरज कुंड रोड पे ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी प्रैक्टिस करने आते हैं। उससे पहले बहुत ही अच्छे, बहुत ही पुरानी वो शॉप है, वहाँ पे छोले कुलचे मिलते हैं। इतने यमी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, इतना अच्छे से। हाँ, वो बहुत बहुत टेस्टी देते हैं वो छोले कुलचे वगैरह, तो उनके छोले कुलचे हम हमेशा खाते हैं जब भी हम उस साइड जाते हैं। आज का मौसम भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, इसलिए दोपहर का टाइम है, बट धूप नहीं है और गर्मी थोड़ी थोड़ी कम है आज बाकी दिनों के कंपैरिजन में। तो चलिए, तो गाइस आने वाली है छोले कुलचे वाली मशहूर दुकान। यहाँ पे मशहूर है, पता नहीं कहाँ पे मशहूर होगी इसके अलावा। पहले थोड़ा ड्राइव करते हैं, फिर आगे खाएंगे, फिर दोबारा ड्राइव करेंगे। राइट गाइस, आने वाली है दुकान, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, यहीं पे ये दुकान वो। अभी लेकिन खाएंगे नहीं। हाँ, अभी खाएंगे नहीं। तू अपने आप को समझा, मुझे क्या समझा रही है। मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ज्यादा वो होता है। ये राइट में, ओ यार पेड़ों से कवर हो गई क्या। राइट में दुकान है, छोटी छोटी काफी सारी दुकान है, नहीं दिख रही, आधी बार में देखेंगे जब आपको दिखाएंगे। जो रास्ता है ना, ये हमारा बहुत ही फेवरेट रास्ता है। क्यों, क्या कहते हो? इस रास्ते पे आने पे पता है कैसा फील आता है, जैसे आप नैनीताल या फिर और जैसे क्या नाम है वैलियां जहाँ पे होती हैं, ऐसे माउंटेन्स वाले इलाके में जाते हो ना। हाँ। वो वाला फील आपको यहाँ पे आने लगता है। हाँ। और जब जब मानसून आता है उसके बाद तो इसकी ब्यूटी निकल के एकदम डबल हो जाती है। हाँ, और यहीं पे है वो जगह जो मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पे गाड़ी चलाने का राउंड है। गाड़ी सिखाएंगे। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बस आ गए अपना रास्ता, उसके बाद देखते हैं आयुषी आज कैसी गाड़ी चला पाएगी। अरे यार, पहले थोड़ी रिविजन करवा देना। तो गाइस, अब उनके टेस्ट का टाइम आ गया है, थोड़ी दिल में धक 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 हो रही है। यहाँ पे ना यार, सभी लोग यहाँ पे ड्राइविंग सीखने ही आते हैं और कुछ लोग मैच खेलने भी आते हैं। मैं आपको दिखाया था बाहर का नज़ारा कैसा है, बाहर का सीन कैसा है, और लोग यहाँ पे आके सीखते हैं और कुछ अनाड़ी कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसलिए लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब सीट चेंज करने का टाइम हो गया है, अब देखते हैं इसे कैसा चलेगी। इतने दिन बाद इसे कुछ याद है ABCD या ABCD भी भूल गई है। तो गाइस टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आ जाओ भाई। आओ, कितना अलग लग रहा है। थोड़ा सा नीचे कुशन लगा दिया ना सॉफ्टनेस के लिए, इसको पीछे कर अपने हिसाब से एडजस्ट कर। अब देखना है स्टेयरिंग के अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी। अरे नहीं यार, पहले बताओ ना कैसे करते हैं। यहाँ पे आके चलाएगी इसको। मैं भूल गई, थोड़ा सा बताओ कैसे करते हैं। सीधा रूल है, मिड में ब्रेक है, ABC पता है, एक्सलेटर ब्रेक क्लच, क्लच तो, है? हाँ, सबसे कॉर्नर में क्लच है, ABC। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट तू क्लच दबाएगी, क्लच दबा। हाँ,
क्लच दबाने के बाद अब तूने करना है गियर लगा, फर्स्ट गियर, हाँ गियर स्विच कर, क्लच को दबाए रखियो, छोड़ियो मत, ठीक है, फुल दबा ले, ठीक है, फुल दबा लिया। अब धीरे धीरे क्लच को छोड़, एक मिनट रुक जाओ, उन्हें आने दे पहले। एक तो यहाँ पे सभी हैवी ड्राइवर हैं एक से एक, और बीच में मुझे समझ नहीं आता बीच में दौड़ाने वाले कहाँ से आ जाते हैं रेस में। यार कुछ लोग है ना बड़े पागल होते हैं, मतलब यहाँ पे आ गया है एक बंदा और यहाँ पे गाड़ी दौड़ाया जा रहा है, मतलब उसको नहीं पसंद होगा कि लोग आके यहाँ पे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और अनाड़ी लोग आके यहाँ पे ट्रेंड हो, तो अपना अलग ही लेवल पे दौड़ाया जा रहा है। रेस करनी है तो भाई हाईवे पे चल, किसी और से कर, बेचारों को सीखने दे, यहाँ पे नए लोगों को सीखने नहीं देना है किसी को। तो इस बेचारी की हालत खराब है, वो गोले गोले भगाए जा रहे थे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एक से एक, मतलब क्या बोलूं, क्लच दबा, ब्रेक मार, ये रहा, अभी देखना कितनी देर ले जाएगा। देखो अननेसेसरी, फुल ड्राइवर है लेकिन जबरदस्ती, देखो 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 यार, एक काम करते हैं बाद में आते हैं, ये देखो ये देखो, यही जाएगा, हमें क्या ठुकेगी तो हमारी भी ठुकेगी, इसकी भी ठुकेगी। तो गाइस मुझे लग रहा था कि यार ये भूल गई होगी और इसे ए बी सी डी का ए भी नहीं आता होगा, लेकिन मुझे लगता है ए बी सी में से ए बी तक तो इसे अच्छा आता है, सी वाला पार्ट भी हाफ आता है, बहुत ही कम भूली है और सही चला ले रही है। तो दिक्कत पता है क्या है, फर्स्ट वाइफ जो है ना वो सेकंड वाइफ को परेशान करने में लगी हुई है, और क्या है कि क्लच वगैरह की ना एकदम बैंड बजाए थे, झटके से छोड़ना, एकदम से ऐसे उठा देना। ये बात दोबारा बता, क्या ये वाली जो भी बोली तूने, पहुंच रहे नीचे तक, हमें रखने पड़ रहे हैं, कुत्ते भी बैठे बेचारे, उनका भी ध्यान रखना है। इसे जुबान वाले को लग जाए तो ठीक है, किसी बेजुबान को नहीं लगनी चाहिए। तो गाइस चलानी आ चुकी है इसको गाड़ी काफ़ी हद तक, और ये भी चला रही है जब से इतनी देर से मैंने इसे छोड़ा हुआ है, मैंने कहा तो अकेले चला, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है बंदे के अंदर। और मैं इधर आराम से इसकी वीडियो शूट कर रहा था, थोड़े से स्लोमो ले रहा था, आपने देखे होंगे कैसे आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। मज़ा आ रहा है, तो गाइस अब हो गया है भूख का टाइम, अब चलेंगे छोले कुलचे खाने, उसके बाद वापस आके देखते हैं अगर इसे और थोड़ी सी ट्रेनिंग दे पाएं। आज की ट्रेनिंग इतनी बहुत है इसके लिए, एक ही दिन में सारा सिखा दूंगा तो मेरे को गाड़ी से भगा देगी। तो गाइस बिल्कुल हॉट सीट पे बैठने वाली फीलिंग आ रही थी वहाँ पे बैठ के, कि जैसे पता नहीं क्या टेस्ट वेस्ट हो रहा है मेरा, और मास्टर मेरे को फेल कर देगा अगर मैंने ढंग से नहीं चलाई। और आपको पता है पहले जो हमारा ये है ना, ये उठा देता था ये जब मैं ड्राइव कर रही होती थी, ताकि कंट्रोल करने में इजी हो, बट आज नहीं उठाया इसने, तो आज थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता था कि तू मैनेज कर लेगी, थोड़ा सा भरोसा था। हाँ मुझे मजा आया लेकिन आज ड्राइव करके बढ़िया। अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है क्योंकि 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और सुबह से हमने सिर्फ मैगी खाई है। तो हम जा रहे हैं उसी शॉप पे जो हमने आपको बताई थी, किस चीज की, छोले कुलचे की। अब जाएंगे वहाँ के छोले कुलचे खाएंगे, बहुत ही अम्मी छोले कुलचे हैं। ड्राइविंग करने की जो खुशी होती है वो वाला सीन नहीं है ना, खुशी यार खुशी इसलिए ड्राइव, बच्चे थोड़ी है कि यार हमको टॉय चाहिए, टॉय की खुशी होता है, बच्चे और बड़े की बात नहीं, नहीं गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। नहीं मुझे अच्छा लगा पर ऐसा नहीं, हाँ मेरे को बहुत खुशी लेकिन मैं चला रही हूँ, मुझे सीखने के पर्पज से चलानी है कि मेरा आ जाए। तो मैंने बाइक सीखी थी, गाड़ी सीखी थी, मतलब गाड़ी खुद ही सीखी थी, बाइक भी खुद ही चलानी सीखी थी मैंने। इवन मैं आज भी ड्राइव करता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मुझे मजा आता है गाड़ी चलाने में, मतलब मेरे लिए कोई सजा नहीं बनती, मेरे को मजा आता है 600 किलोमीटर। हाँ मजा तो मुझे भी आया अभी चला के, अच्छा लगा देख के कि हाँ मैं भूली नहीं हूँ, कुछ 6-7 महीने बाद भी मुझे सारी चीजें याद है। अभी बस खाना खाते हैं, देखते हैं अगर और भी कुछ करने को नहीं है तो फिर शायद दोबारा आएंगे, और अब मैं दूसरा गियर चेंज करके गाड़ी चलाने की कोशिश करूंगी। एकदम मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, मैं थोड़ी सी तेज करती हूँ, धीरे कर आराम से इतना भी भरोसा नहीं, वो चीज हो जाती है ना कि इंसान थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ चलाने की कोशिश करनी शुरू करता ही है, इतने में फिर आपको कोई बोल दे कि आराम से, तो ये रीजन है। खैर चलिए अब हम आपको शॉप पे जाकर के मिलते हैं, बाय। ओ यार बंद है यार सब, और नहीं छोले कुलचे वाले भैया हैं। तो गैस छोले कुलचे हमारे आ चुके हैं और ये बहुत ही यमी है यार, बहुत ही यमी है, और अभी
हमारा नान जो है आने वाला है, ये आयुषी के हाथ में रायता है। तो गाइस हमारी नेक्स्ट डिश आ चुकी है और यार यहाँ पे ये भैया चेंज हो गए हैं, तो आई एम नॉट श्योर इनका टेस्ट कैसा होगा, मगर अच्छा ही होगा यार, खाना तो खाना है। मगर ये कि जो नान वाले भैया वो चेंज हो गए, लेकिन छोले कुलचे वाले वही थे और छोले कुलचे का टेस्ट वैसा ही था, बड़े मजेदार। नान वाली प्लेट है ना, वो जो पहले आती थी वो दिखने में इतनी यम्मी लगती थी कि उसको देखते मन करता था उस पर टूट पड़ो। नहीं ये भी अच्छी लग रही है, इट्स गुड, अभी खा के पता चलेगा। लेकिन हाँ वो भैया चेंज हो गए हैं तो, लेकिन छोले कुलचे वाले फिक्स्ड हैं और हम छोले कुलचे के लिए यहाँ पे आते हैं। नान का तो हमारा प्लान भी नहीं था, हमने ले लिया जस्ट ऐसे ही कि खा लेते हैं, क्योंकि हम आते हैं तो दो चीज खाने में थोड़ा मजा आता है। अब खा के देखते हैं। छोले कुलचे तो बहुत ही यम्मी थे, बट नान का फ्लॉप शो हो गया क्योंकि बहुत ही खराब टेस्ट था। छोले कुलचे वाले भैया ने हमें वार्न भी किया था, लेकिन इसको समझ नहीं आई उनकी बात। नहीं मैं ऑर्डर दे चुका था, मुझे ऐसे अच्छा लगता है किसी को ऑर्डर देके कैंसिल करना। हाँ ये तो है। तो अब हम जा रहे हैं नर्सरी की तरफ देखने के लिए कि हमें कुछ जो चीजें चाहिए, दो चार लाइव प्लांट, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, इंडोर प्लांट सॉरी। तो देखते हैं। गाइज आप देख सकते हो चेहरे पे पसीना, माथे पे पसीना, ये पीछे मच्छर, ये पीछे हमारी मेहनत का फल है। काफी अच्छे खासे पैसे लग गए हैं, खैर पर अच्छा है, मेरे को अच्छे लगते हैं पौधे। और तुषार गोभी है ना? हाँ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बचपन से अच्छे लगते हैं मुझे। मजाक कर रहा है ये। खैर मुझे ये वाला सबसे सुंदर लगा, आप लोगों को भी दिखने लगा क्योंकि बूके इफेक्ट तो रखा है इसका कैमरे का, पर घर पे जब हम लगाएंगे ना, मेरे दिमाग में दोनों के लिए लोकेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो मैं आपको घर पे लगा के दिखाऊंगी, बहुत प्यारे लगेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलाऊं। तो अब हम सोच रहे हैं कि घर पहुंचने से पहले एक बारी कॉफी पी लेते हैं, तो क्यों ना एक एक कॉफी हो जाए। तो गाइज ये है वो डार्क, क्या लिखा है, डार्क बॉन कॉफी पॉइंट। तो ये लड़की आखिर अपना टारगेट दिन का पूरा करती रहेगी, कभी कॉफी कभी जूस कभी कुछ। मुझे कॉफी बहुत अच्छी लगती है और इन वाले भैया की तो बहुत अच्छी लगती है, कसम से सीसीटी जैसी कॉफी देते हैं ना ये। हाँ बहुत टेस्टी, बिल्कुल मीठी नहीं होती, प्रॉपर कॉफी का टेस्ट आता है। सो गाइस ये रहा एक पौधा प्लांट, और दूसरा प्लांट हमने प्लेस किया है यहाँ पे, क्योंकि इसको ये साइड के पिलर का मिल जाएगा ना ग्रो करने के लिए, तो वो फुली अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसकी जो कलर्स है ये हमारे बैकग्राउंड के साथ, मतलब जो सोफा वगैरह उसके मैच करेगा अच्छे से। सो यस, और इन बड़े बड़े प्लांट्स को लाने में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है इन्होंने, जो बहुत थक गए हैं हम। तो चलो ब्लॉग को एंड करो, बाय बोलो। चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली मेरी सारी इच्छाएं आज की पूरी हो गई, गाड़ी भी चला ली और प्लांट्स जो मुझे चाहिए थे वो भी मिल गए हैं, मुझे मिट्टी भी मिल गई है एक्स्ट्रा थोड़ी सी, एक मुझे एक्स्ट्रा बीज है थाइम का वो लगाना था उसके लिए। सो आज का जो दिन है वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा और सक्सेसफुली सारे काम हमारे हो गए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।